तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पारवायरस और जो टेप वर्म है उसमें यह है कि दोनों में वॉमिटिंग और डायरिया होता है कुछ केसों में। तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है कि जो पारवायरस होता है उसमें जो वॉमिटिंग होती है और डायरिया होता है, और दोनों में बहुत ही बदबू आती है, और जो एनिमल है पेट्स हैं उसके शरीर से भी बदबू आती है और डल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, खाना नहीं खाता है, तो ये उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन जो टेप वर्म होते हैं उसमें वॉमिटिंग होती है और डायरिया कभी होता है कभी नहीं होता है, और जो स्टूल होता है उसके साथ वॉर्म्स कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, तो ये वॉर्म्स के आधार पर पहचान सकते हैं। दूसरा है जो स्मेल होती है वो टेप वर्म में नहीं होती है या बहुत ही कम स्मेल आती है जो लेटरिन करता है उसमें, लेकिन जो पारवायरस में बहुत ही स्मेल आती है और फ्रिक्वेंट बार बार डायरिया करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो इसको कन्फ्यूजन ना करें और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। डिफरेंशिएट बहुत जरूरी है क्योंकि हम बीमारी जो है फील्ड लेवल पे डायग्नोस्टिक टूल नहीं होते हैं, तो इसलिए सिम्टम्स के आधार पर ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा जो है इसमें ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट में पप्स की जो छोटे पप्पी होते हैं उसमें टेप वर्म जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा होता है, और उसको हम रेगुलर डिवर्मिंग करवाते हैं, ड्रोंडल प्लस, इजी पैड्स, साइरप और जो भी मार्केट में अवेलेबल है तो उससे करवाते हैं। उस डिवर्मिंग की खास बात यह है कि इसमें डिवर्मर प्रॉपर चुनना रहता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसमें हाँ जो लीवर होता है वो 4 से 5 मंथ तक डेवलप नहीं होता, फुली डेवलप नहीं होता है, इसलिए डिवर्मर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसे प्रॉपर डिवर्मर चुने और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करें। थैंक यू वेरी